हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कारीगर फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, आप देख ही रहे स्क्रीन पे, ये एक फैब्रिक और स्टिच का काज। तो ये जो फैब्रिक है देखिए किस तरीके से दिया है मैंने, और जो साइड में जो स्टिच मैंने दिया है वो राउंड स्टिच। मैं आप लोगों को इतना डिटेल्स इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये डिज़ाइन दिखाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डिज़ाइन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है और कैसे तैयार करना है, तो चलिए डिटेलिंग में दिखा रहा हूँ। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो हमारा वीडियो तुरंत देखने के लिए और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये देखिए मोबाइल यूज़र इसी तरह जैसे कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद साइड में जो बेल जो एक बटन है ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ये क्लिक करने से क्या होगा, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको इंस्टेंट। तो फ्रेंड ये देखिए आज मैं ये डिज़ाइन दिखाऊंगा और ये फैब्रिक और स्टिच में होगा। ये तो सबसे पहले वो सेम ही तरीका है, इसे कागज़ में ड्राइंग करना है पहले, उसके बाद हमें मैं पहले से कर चुका हूँ ये देखिए। उसके बाद मैंने फेसिंग पेपर में एक कलर से किया है, और उसके बाद जो कपड़ा है फ्रेंड ये देखिए कपड़ा में भी मैंने ड्राइंग कर लिया है पहले से ही, क्योंकि ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो खामखा बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसमें आप लोगों को डिज़ाइन और जो टेक्निक से हम कर रहा हूँ वो दिखाने वाला हूँ, और कहाँ से यूज़ होगा वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक पीस के लिए इसी तरह पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, किस तरीके से क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। हमारा फैब्रिक जो कोर्स है उसमें भी मैंने बहुत तरीक़ा से बताया किस तरीक़ा से ट्रेसिंग हम कर सकते, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। मानिए आपका ये ड्राइंग है, ये जो पेंसिल ड्राइंग है, इसके बाद हम ट्रेसिंग करते हैं, उसके बाद जो हमारा मशीन होता है ना, जो पिन मशीन होता है, आप लोगों को दिखा दूँगा थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड, जो इसी तरह जो मशीन होता है इसे आपको पिन करना है, और उसके बाद जो केरासिन और जो काली हम मिलाते हैं लाइट कलर के लिए, जो हुशो काली बोलते हैं हम, तो उसे ट्रेसिंग करना है। तो ये काम बहुत अगर क्वांटिटी करूँ तो उन लोगों के लिए ठीक ठाक है, मगर एक पीस में सैंपल दिखा रहा हूँ तो इसमें उतना वर्थ हम नहीं देंगे। हम सिंपल सा क्या है, हमने नीचे रखा है इसे और ड्राइंग कर लिया है अपने पेंसिल से, सिंपल सा यह पेंसिल से मैंने ड्राइंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे कलर देना है, यानी कि फैब्रिक देना है इसके ऊपर। तो फैब्रिक देने के लिए फ्रेंड हमें ऑब्वियसली एक फ्रेम चाहिए, और जो फ्लैट टोन वाला होता है या ब्रशिंग करिए, कुछ भी करिए, ब्रशिंग में फिर भी हो जाता है तो ठीक ठाक नहीं होता, ब्रशिंग में भी फिर भी नहीं होता है, ठीक ठाक नहीं होता। क्यों नहीं होता है फ्रेंड, जो ब्रशिंग कुछ काम होता है जो इसी तरह नीचे हमें बोर्ड रखना पड़ता है तब होता है, मगर कुछ काम ऐसा होता है जो नीचे कुछ भी रखे तो काम किया नहीं जाता है। तो इसमें हम जो फ्लैट टोन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें बैक इसी तरह खाली चाहिए, तो इसके लिए छोटा छोटा फ्रेम होता है, बड़ा फ्रेम होता है, तो ये करने के लिए हमें छोटा फ्रेम ही काफ़ी है। तो चलिए मैं फ्रेम में सेट करके कलर का किस तरीके से करूँगा तब मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने छोटा फ्रेम से इसे तैयार कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से करेंगे, ये देखिए ठीक है फ्रेंड, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए मैंने थोड़ा सा कैमरा को पास से दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह हम करेंगे और बहुत ही क्यूट डिज़ाइन एक बनाएंगे जो वाइट में हम यूज़ करेंगे। आप चाहे इसे डीप कलर में भी कर सकते हो, डीप कलर में टेक्निक क्या होगा, इसी तरह जो काम होता है इसमें अगर कलर सिंक करें तो आप लोगों को पहले से कोट देना है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो कौन सी कपड़ा में क्या ट्रीटमेंट करनी है आप लोगों को, तो उसके लिए मैंने बोला है बैक में आप पहले कोट दीजिए, व्हाइट मिक्स करके कोट दीजिए, उसके बाद जिस जगह में जो कलर दे रहा है आप दीजिए, उसका जो शाइनिंग और जो ब्राइटनेस एज इट इज़ जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा। तो चलिए मैं ये जो दिख रहा है आपको कहाँ पर फैब्रिक होगा, कौन सा कलर होगा, तो ये करके उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके कलर दे रहा हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जब फैब्रिक का कोई कोर्स होगा तब हम दिखा देंगे। तो ये फैशन का जो टेक्निक मैं दिखाने वाला हूँ तो इसमें सिर्फ डिज़ाइन और जो टेक्निक और कहाँ यूज़ करना है ये वाइटल है। तो चलिए ये फैब्रिक करके उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए ये तैयार हो गया है, मैंने फैब्रिक कर लिया है, इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग आप लोगों को दिखाएंगे, यानी कि स्टिचिंग करके उसके बाद मैं दिखाऊंगा इस डिज़ाइन को, और किस तरीके से कैसा लुक लगे और कहाँ पर यूज़ करना है वो सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा, और फिर भी आप लोगों को बता दूँ फैब्रिक तो हो गया है। तो देखिए फ्रेंड इस जगह में मैंने ब्रशिंग किया है, इस जगह में मैंने ब्रशिंग किया है, और ये फ्लैट टोन दिया है, इस जगह में फ्लैट टोन दिया है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि फैब्रिक आप लोग तो जो लोग करेंगे
तो ऑब्वियसली आप लोगों को नॉलेज रखना है जो वाइट में हम करेंगे। अगर आप सॉफ्टिकेट और वीडियो के लिए आप बनाएंगे तो रेड वगैरह यानी कि ब्राइटनेस वाला जो कलर होता है वो आप लोग नहीं यूज़ करेंगे, और जो सोवर कलर है वो आप लोग यूज़ करेंगे। और मैंने इसमें देखिए ये एक हॉट कलर मैंने यूज़ किया है, ब्राइटनेस कलर है, और ये सोवर है, मैंने वो ये सभी के लिए मैं बना रहा हूँ और थोड़ा सा ब्राइटनेस करके मैं बना रहा हूँ ये। और ये सब आप लोगों को ध्यान में रहे, जैसे कि कूल कलर होता है, जो हॉट कलर होता है, सोवर कलर होता है, कौन सा कलर किसे कहाँ पर यूज़ करना है आप लोगों को जानना है। मानिए मैंने कोई शादी वगैरह कुछ ड्रेस में कुछ फैब्रिकेशन करना है तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, सोवर कलर यूज़ नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, मगर कब करेंगे, जो कस्टमर का अगर चॉइस है तो, अदरवाइज हम क्या करेंगे वो ब्राइटनेस वाला जो शाइनिंग वाला, ये ज़्यादातर से हम वाइट पांस करके कलर का जो ब्राइटनेस करते हैं वो हम तरीका हम यूज़ करेंगे उसमें। फिर भी ये सिंपल सा है और ज़्यादा आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, बाद में और भी बता दूंगा मैं, और इसके बाद मैं स्टिच करके उसके बाद में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है ये, और ये देखिए इसके बाद इसी तरह आप लोगों को स्टिच करना है, ठीक है। तो देखिए और इसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप लोग। आप लोग बहुत आसानी से ये कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो, अब अगर फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छा लगे आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक का शुभरात्रि, गुड नाइट। तो फ्रेंड ये देखिए ये डिज़ाइन आप लोग इसी तरह, और एक बात पहले आप लोगों को बता दो फ्रेंड, इसमें कोई ड्राइंग मैंने नहीं किया है, सिर्फ टेक्सचर मैंने दिखाया है इसमें, और ऐसे तो संभव नहीं है मैंने एक एक करके इतना ड्रॉ करूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है और समझा भी रहा हूँ, ये एक डिज़ाइन है जो राउंड शेप वाला जो डिज़ाइन देख रहा है, तो इसी तरह मैंने स्ट्रक्चर इसका बना लिया, जैसे कि इसका ब्लॉक बना लिया, तो उसे अब समझ में आ ही जा रहा है आप लोगों को। तो इसी तरह एक दो तीन, और इसके बाद ये मिडिल में लगाना पड़ता है, इसके बाद ये दो, और इसमें हाफ भी आप लगा सकते हो। ये डिज़ाइन नीचे जैसे कि स्लैब जैसा होता है उसी तरह भी आप लोग कर सकते हो, बूटी की तरह भी उसे यूज़ कर सकते हो, साड़ी में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कुर्ती कमीज़ में भी इसी तरह यूज़ कर सकते हो, ब्लाउज़ में भी इसी तरह यूज़ कर सकते हो।